एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम ज्योति हल्दर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर ऑफ जगदलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डील अ न्यू टॉपिक एंड टुडे आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो व्हिच इज़ रिलेटेड टू योर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट फर्स्ट। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डील अबाउट लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। एज वी नो दैट द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से बेहतर जो है वो रोकथाम होती है। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि इलाज से रोकथाम किस तरह बेहतर है, क्यों अच्छा है। आज हम इस टॉपिक में इस चीज़ के बारे में डील करेंगे। सो आज का टॉपिक है लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डील द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिवेंशन, डेफिनेशन ऑफ प्रिवेंशन एंड लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में हम पढ़ेंगे प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्जरी प्रिवेंशन। सो एट फर्स्ट वी आर गोइंग टू डील इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिवेंशन। सो प्रिवेंशन इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ नोन एज इंटरवेंशंस एम्ड एट रिड्यूसिंग रिस्क और थ्रेट्स टू हेल्थ। प्रिवेंशन, जिसे हम हिंदी में रोकथाम कहते हैं, तो प्रिवेंशन में क्या होता है, प्रिवेंशन में बहुत सारे एक्टिविटीज़ शामिल हैं। उन सारे एक्टिविटीज़ को हम इंटरवेंशंस कहते हैं। और ये जो इंटरवेंशंस है, एक्टिविटीज़ है, उनका मेन उद्देश्य यही रहता है कि जो भी हेल्थ के लिए जो थ्रेड है या हेल्थ के लिए जो रिस्क है, इट मीन्स जो भी स्वास्थ्य के लिए जो भी हानिकारक चीज़ें हैं, ठीक है, जो खतरा है या ऐसी चीज़ें जो हेल्थ में खराबी, जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो प्रोड्यूस कर सकती है या डिसीज़ प्रोड्यूस कर सकती है या हेल्थ प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस कर सकती है, ऐसे चीज़ों को क्या करना, रिड्यूस करना। तो इन एक्टिविटी को हम कहते हैं प्रिवेंशन। You may have heard researchers and health experts talk about three categories of prevention: primary, secondary and tertiary. ठीक है, so जो health researchers हैं या health experts हैं, उन्होंने ये जो level of prevention है उनको three category में divide किया है। पहला है primary, दूसरा है secondary and तीसरा है tertiary. The ultimate aim of intervention program is to halve or reverse the process pathological changes as early as possible, thereby preventing फर्दर डैमेज। तो ये जो मेन उद्देश्य है, मेन काम जो है इन इंटरवेंशंस का, जो एक्टिविटीज़ का मेन उद्देश्य यही है कि जो भी पैथोलॉजिकल प्रोसेस है, पैथोलॉजिकल प्रोसेस इन द सेंस जो भी डिसीज़ प्रोड्यूस करने की जो प्रक्रिया है या बीमारी पैदा करने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करने की जो प्रक्रिया है, उसको स्टॉप किया जाए। ठीक है, उनको स्टॉप किया जाए ताकि जो फ्यूचर में कोई भी हेल्थ रिलेटेड कोई डैमेज ना हो, कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई बीमारी, कोई डैमेज या प्रॉब्लम ना हो। तो क्या करते हैं, ये जो भी इंटरवेंशन, जो भी एक्टिविटी रहती है, वो इस चीज़ पे काम करते हैं ताकि जो बीमारी है, हेल्थ प्रॉब्लम से, उसको रोका जा सके। अ थ्री लेवल मॉडल फॉर इंटरवेंशन बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ डिसीज हैज़ बिन डेवलप्ड बाय लेवल HR एंड क्लार्क EG इन 1965। ये जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, ये जो मॉडल है, इसको एक्सप्लेन किया गया है लेवल HR और क्लार्क EG के द्वारा इन 1965 में। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रिवेंशन। परिभाषा प्रिवेंशन की क्या होती है। एक्टिविटीज़ डिजाइन टू प्रोटेक्ट पेशेंट और द मेंबर्स ऑफ पब्लिक फ्रॉम एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ थ्रेट्स एंड देयर हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, प्रिवेंशन जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है या फिर ऐसे एक्टिविटीज़ इसमें किए जाते हैं जो कि एक पेशेंट को और जो मेंबर्स हैं, पब्लिक के जो मेंबर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है, जो भी एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ थ्रेट्स हैं उनसे वो प्रोटेक्ट करती है और उनसे होने वाले फ्यूचर में जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उनसे भी वो प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, सो यहाँ पे पोटेंशियल और एक्चुअल हेल्थ थ्रेट्स का मतलब यही है, जो भी रियल या फिर संभाविक चीज़ें हैं जिससे कि हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेल्थ के लिए खतरा हो सकती है, उन सारे चीज़ों से क्या करना, प्रोटेक्शन करने की जो प्रक्रिया है, प्रोटेक्शन करने की जो एक्टिविटी है, उसी को हम प्रिवेंशन कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन है प्रिवेंशन इज़ द एक्शन एम्ड एट इरेडिकेटिंग, एलिमिनेटिंग और मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिसीज एंड द डिसेबिलिटीज़। ठीक है, जो भी प्रभाव है, जो भी बीमारी या डिसीज़ के प्रभाव, साथ ही साथ जो डिसेबिलिटी के प्रभाव को ख़त्म करना, मिटाना और कम करने का जो एक्टिविटी है, उनको भी हम प्रिवेंशन कहते हैं। ठीक है, सो प्रिवेंशन में क्या होता है, उसमें ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि डिसीज़ से होने वाले जो भी प्रभाव हैं, ठीक है, बीमारियों के जो प्रभाव हैं, डिसीज़ के प्रभाव हैं, डिसेबिलिटी के प्रभाव है, उसको क्या करती है, कम करती है, मिटाती है और उसे ख़त्म करती है। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ को भी हम प्रिवेंशन कहते हैं। लेट्स सी द लेवल ऑफ प्रिवेंशन।
लेवल ऑफ प्रिवेंशन में जो फर्स्ट है वो है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, सेकंड है प्राइमरी प्रिवेंशन, थर्ड है सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड फोर्थ है टर्शियरी प्रिवेंशन। सो अब हम इनको एक के बाद एक जो है प्रिवेंशन उसको हम डील करेंगे। पहले है प्रीमॉडल प्रिवेंशन। प्रीमॉडल प्रिवेंशन क्या होता है? दिस इज़ अ प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर इन अ पॉपुलेशन ग्रुप विच दे हैव नॉट एट अपीयर्ड। स्पेशल अटेंशन इज गिवन इन प्रिवेंटिंग क्रॉनिक डिसीजेज। मेन इंटरवेंशन इज हेल्थ एजुकेशन। इन दिस एफर्ट द डेडिकेटेड टूवर्ड्स डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफ स्टाइल हैबिट्स थ्रू इंडिविजुअल एंड मास एजुकेशन। प्री मॉडल प्रिवेंशन है वो पहला लेवल का प्रिवेंशन है। इसमें हम मेनली फोकस करते हैं रिस्क फैक्टर्स के, ठीक है। इसमें हम मेनली फोकस करते हैं रिस्क फैक्टर जिससे कि बीमारी होने की संभावना है, उन रिस्क फैक्टर्स पे हम फोकस करते हैं और उन रिस्क फैक्टर्स के डेवलपमेंट को हम रोकते हैं जिससे कि जो बीमारी है वो ना हो, कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। और इनमें हम मेनली जो अटेंशन देते हैं जो भी क्रॉनिक डिसीजेज हैं, ठीक है, तो इसमें हम मेनली क्या करते हैं, जो रिस्क फैक्टर्स के डेवलपमेंट है उनको रोकते हैं जिससे कि कोई क्रॉनिक डिसीज़ जो है प्रोड्यूस ना हो। इनमें जो हम मेन इंटरवेंशन करते हैं वो है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में हम इंडिविजुअल हेल्थ एजुकेशन भी दे सकते हैं और मास हेल्थ एजुकेशन भी हम दे सकते हैं। सो जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है इट कंसिस्ट ऑफ action and measurement that inhibit the emergence of risk factor in the form of environmental, economic, social and behavioral condition and cultural pattern of living etc. जो primordial prevention है, जैसे कि मैंने आपको कहा जो primordial prevention है ये mainly risk factors पे focus करती हैं और risk factors के जो development है या फिर जो produce होने वाले हैं उनके produce होने से पहले ही हम जो risk factors के ऊपर क्या करते हैं, रोक लगा देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अगर रिस्क फैक्टर्स ही नहीं रहेंगे तो बीमारी भी नहीं होंगी, ठीक है। तो इसमें रिस्क फैक्टर्स के जो प्रोड्यूस होने या डेवलपमेंट के टाइम पे ही हम इन पे रोक लगा देते हैं। और जो ये रिस्क फैक्टर्स है वो कई सारे चीज़ों से जो है सम्मिलित हैं, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे जो फॉर्म्स हैं उनके फॉर्म्स में ये रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट होती है, जैसे इन्वायरमेंटल के फॉर्म में, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, बिहेवियरल रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनमें हम क्या करते हैं, इनको हम पहले से स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो इससे जैसे कि हम इनको कैसे स्टॉप कर सकते हैं, हम इसको एजुकेशन के थ्रू, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हम इसके जो प्रोडक्शन है या फिर प्रोड्यूस होने से पहले हम इनको रोक लगा सकते हैं, ठीक है। उनका लाइफस्टाइल को चेंज करके, उनके हैबिट्स को चेंज करके, उनके जो भी डेली लाइफ रूटीन है उनको चेंज करके, तो इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हम करके जो है रिस्क फैक्टर्स को हम इनहिबिट कर सकते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं प्री मॉडल प्रिवेंशन के, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़, ठीक है। कुछ नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ जो बनाए गए हैं वो क्या करते हैं, जो भी रिस्क फैक्टर्स है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, बिहेवियरल फैक्टर्स देन सोशल फैक्टर्स, इन पे वो क्या करती है, रोक लगाती है, उनको प्रोड्यूस होने नहीं देती है। जैसे कि फूड एंड न्यूट्रिशन, जो फूड एंड न्यूट्रिशन जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी न्यूट्रिशन फूड है, सप्लीमेंट्स है, वो लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। अगर उनका अगर वो अच्छे से इनटेक करते हैं, फूड का इनटेक करते हैं, न्यूट्रिशन का इनटेक करते हैं, तो उससे होने वाले जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं उनसे वो बच सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे कि बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाए गए हैं अल्कोहल, स्मोकिंग और ड्रग्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह की पॉलिसीज़ क्या करती हैं, जो इस तरह के जो हैबिट्स है उन पे रोक लगाती है। अगर लोग जो हैं इस तरह के जो रिस्क फैक्टर्स उसके कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे, ठीक है, तो फिर लोगों को बीमारी भी नहीं होगी। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी, अगर हम रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी को अगर प्रमोट करते हैं तो भी हम जो रिस्क है, हेल्थ से रिलेटेड जो रिस्क है, जो थ्रेट्स है, उसको हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। मेकिंग मेजर चेंजेस इन लाइफस्टाइल, अगर हम लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं, जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे फूड्स लेते हैं, स्लीपिंग पैटर्न हम सही रखते हैं, तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा, जो भी रिस्क हैं हेल्थ से रिलेटेड, जो भी थ्रेट्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं और हम कोई भी डिसीज से प्रिवेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। सो प्राइमरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिसीज विच रिमूव्स द पॉसिबिलिटीज दैट द डिसीज विल एवर ऑकर,
ठीक है। सो जो प्राइमरी प्रिवेंशन है उसमें कुछ ऐसे एक्शंस लिए जाते हैं, ठीक है, वो एक्शंस डिसीज़ ऑकर होने से पहले लिए जाते हैं ताकि जो भी डिसीज़ होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको कम किया जा सके और उनको रोका जा सके, ठीक है, जिससे कि डिसीज़ प्रोड्यूस ना हो। तो जो प्राइमरी प्रिवेंशन है इसमें रिस्क फैक्टर्स मौजूद होते हैं, लोग उनके कॉन्टेक्ट में भी रहते हैं, बट डिसीज़ उनसे ना हो, डिसीज़ ऑकर्स होने से पहले यहाँ पे कुछ एक्शन लिए जाते हैं, जो एक्टिविटीज़ लिए जाते हैं ताकि जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो भी संभावना है डिसीज़ होने के उसको रोका जा सके, ठीक है। सो इट सिग्निफाइज इंटरवेंशन इन द प्री पैथोजेनेसिस फेज ऑफ अ डिसीज़ और हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओके, सो ऐसे इंटरवेंशंस जो है ये इंटरवेंशंस प्री पैथोजेनेसिस फेज में लिया जाता है। इस फेज को हम प्री पैथोजेनेसिस फेज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डिसीज़ अभी कॉज नहीं हुआ है, ठीक है। सो डिसीज़ प्रोड्यूस होने के चांसेस को, पॉसिबिलिटीज़ को कम करने वाली एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं उसे हम जो है प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं, और ये जो है लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स और जो डिसीज़ है उनसे प्रिवेंट करती हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में बी अकम्प्लिश्ड बाय द मेजर्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। जो प्राइमरी प्रिवेंशन है उनमें जो मेजर्स लिए जाते हैं उसमें दो मेजर्स हैं, ठीक है, डिसीज़ होने के चांसेस या पॉसिबिलिटीज़ को कम करने के लिए दो मेजर्स को यहाँ पे हम फॉलो करते हैं। पहला है हेल्थ प्रमोशन, दूसरा है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ठीक है। सो प्राइमरी प्रिवेंशन में जो मेजर्स है, फर्स्ट मेजर्स हम यूज़ करते हैं हेल्थ प्रमोशन, दूसरा है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन क्या होता है? हेल्थ प्रमोशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड टू इम्प्रूव हेल्थ। हेल्थ प्रमोशन जो है वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो पीपल हैं, ठीक है, वो रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, रिस्क फैक्टर्स के कॉन्टेक्ट में आना उनको कंट्रोल करते हैं और साथ में ही जो अपने हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो जो प्रक्रिया है रिस्क फैक्टर्स के ओवर उसके उनके ऊपर कंट्रोल करना, नियंत्रित करना और अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने की जो प्रक्रिया है उसे हम हेल्थ प्रमोशन कहते हैं। और इसी हेल्थ प्रमोशन में बहुत सारे मेजर्स को हम फॉलो करते हैं या फिर बहुत सारे एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन, ओके, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेस। इन सारे एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है हम हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल करके अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा है आपका स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। सो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या होता है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इट इज़ द एफर्ट्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीजेज, ठीक है। सो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या होता है? उसमें हम ऐसे एफर्ट्स करते हैं जो स्पेसिफिक डिसीज़ के अगेंस्ट होता है, ठीक है। ये हमको जो है स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस के जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी एफर्ट्स हम करते हैं, वो हमें एक पर्टिकुलर और एक स्पेसिफिक डिसीज़ के अगेंस्ट ही हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ओके। सो इसमें जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है उसमें बहुत सारे मेजर्स आते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़, जैसे कि इम्यूनाइजेशन के थ्रू हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, यूज़ ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करके हम पर्टिकुलर डिसीज़ या पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। कीमोप्रोफाइलेक्सिस जो है, कीमोप्रोफाइलेक्सिस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो है डिसीज़ से प्रिवेंट हो सकते हैं। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, ठीक है, अगर हम अपने ऑक्यूपेशनल एरिया में अगर हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और जो भी सेफ्टी मेजर्स अगर हम उनको यूज़ करते हैं तो जितने भी ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स होते हैं उनसे हम बच सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, ठीक है, जैसे कि सीट बेल्ट्स का यूज़ करना, हेलमेट्स का यूज़ करना, इन सारे ये सारे जो मेजर्स अगर हम उनको यूज़ करते हैं तो भी जो भी एक्सीडेंट से होने वाले जो भी हार्म है, जो इंजरी है, उससे भी हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ जनरल इन्वायरमेंट, ठीक है, जो भी जनरल इन्वायरमेंट है अगर उनके ऊपर हम कंट्रोल करते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सारे के जो कॉजेज़ हैं, अगर हम उन कॉजेज़ पे ध्यान देकर उनको अगर हम स्टॉप करते हैं तो इनसे होने वाली जो भी बीमारियां हैं, जैसे एयर पोल्यूशन से होने वाली बीमारियां, वाटर पोल्यूशन से होने वाली जो बीमारियां, उन पे हम रोक लगाकर उस पर्टिकुलर डिसीज से हम बच सकते हैं। अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस एक्सेट्रा, जो भी एलर्जेंस है जो हमारे आसपास मौजूद है
ठीक है, उनके कॉन्टेक्ट्स में अगर हम आने को खुद से अगर खुद को अगर बचाते हैं, ठीक है, उनको अगर हम अवॉइड करते हैं, तो भी हम जो पर्टिकुलर डिसीज़ या जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं उन एलर्जन से, उससे भी हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमने जो पढ़ा है, ठीक है, ये प्राइमरी प्रिवेंशन जो आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, तो ये हमने सारी चीज़ लिस्ट डाउन किया है। हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, हेल्थ प्रमोशंस में हम ये सारे जो मेजर्स हैं उनको हम अप्लाई करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए हम जो इम्यूनाइजेशन है, कीमो प्रोफाइलेक्सिस है, इन सारे जो मेजर्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं, ताकि हम पर्टिकुलर डिसीज़ से क्या कर सकें, खुद को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन इज़ डिफाइंड एज एक्शन विच हेल्प्स द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज एज एट इट्स इंसिफिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट्स कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टेज या सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम ऐसे एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, या फिर ऐसे एक्टिविटी होती है जो क्या करती है, जो भी डिसीज़ के प्रोग्रेस है उसको रोकती है, और साथ ही साथ उनसे होने वाले जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उनको भी रोकती है, और जो डिसीज़ होने उस डिसीज़ की वजह से जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस है उसको रोकती है। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है इसमें हम ऐसे इंडिविजुअल को फोकस करते हैं जिनको ऑलरेडी डिसीज़ हो चुका है, जो ऑलरेडी उस डिसीज़ से अफेक्टेड हैं। तो इसमें हम कुछ ऐसे एक्शन करते हैं जिससे कि जो डिसीज़ प्रोग्रेस है उसको रोका जाए, और उनसे होने वाली जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी रोका जाए। ठीक है, तो वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आते हैं। और दो इसमें जो स्पेसिफिक इंटरवेंशन से वो हैं अर्ली डायग्नोसिस एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट। ठीक है, सो अर्ली डायग्नोसिस के द्वारा और जो एडिक्वेट जो पर्याप्त ट्रीटमेंट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो डिसीज़ के प्रोग्रेस है उसको रोक सकते हैं, और उनसे होने वाली जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और पेशेंट को हेल्दी स्टेज में वापस ला सकते हैं। सो जैसे अर्ली डायग्नोसिस में जैसे कि स्क्रीनिंग हो गया, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन जैसे कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, पैप स्मेयर है, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन है, केस फाइंडिंग्स है, इन सारे तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस या अर्ली इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जब इन्वेस्टिगेट हो जाते हैं तब हम उनको एडिक्वेट ट्रीटमेंट देते हैं उस पर्टिकुलर डिसीज से रिलेटेड। सो उस डिसीज़ से रिलेटेड अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं तो उस पेशेंट में जो भी डिसीज़ प्रोग्रेस है वो इनहिबिट हो जाते हैं, साथ ही साथ जो भी कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं या जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे भी हम पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो मेजर्स है वो हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम यूज़ करते हैं। सो बेसिकली जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है वो फोकस करते हैं ऑन द इंडिविजुअल who are experiencing health problems। ठीक है, ये जो प्रिवेंशन है, ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है, ये फोकस करते हैं ऐसे इंडिविजुअल को जो ऑलरेडी अफेक्टेड हैं डिसीज़ से। ठीक है, और जो है हम ऑलरेडी डिसीज़ से जो अफेक्टेड हैं एंड इलनेस अफेक्टेड हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं इस कंडीशन में जो पेशेंट को होने वाले कॉम्प्लिकेशन से हम प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, और इसका जो मेन गोल होता है, द मेन गोल ऑफ द सेकेंडरी प्रिवेंशन इज़ टू क्योर डिसीज़ एज इट्स अर्लियर स्टेज व्हेन क्योर इज़ इम्पॉसिबल टू स्लो इट्स प्रोग्रेस एज वेल एज प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड लिमिट डिसेबिलिटी। तो इसका जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि हम जल्द से जल्द जो पेशेंट को क्योर करें, मतलब पेशेंट का जल्द से जल्द हम इलाज करें। ठीक है, अर्ली स्टेज में हम उनका इलाज करें और उनको ठीक करें, और कभी अगर जो क्योर है अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके प्रोग्रेस को, जो डिसीज़ के जो प्रोग्रेस है उसको स्लो करके उनसे होने वाले जो भी कॉम्प्लिकेशन है उससे हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर उनसे होने वाले जो भी डिसेबिलिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये दो एक्टिविटीज़ है जिसको हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इन सेकेंडरी प्रिवेंशन में लास्ट प्रिवेंशन है, दैट इज़ टर्जरी प्रिवेंशन। ओके, टर्जरी प्रिवेंशन में डिफाइंड एज ऑल मेजर्स अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज, मिनिमाइज सफरिंग कॉज्ड बाय एग्जिस्टिंग डिपार्चर्स फ्रॉम गुड हेल्थ
and to promote the patient's adjustment to irremedial condition. जो tertiary prevention है इसमें सारे measures का हम use करते हैं, सारे measures इसमें available होते हैं जो कि help करते हैं और जो कि reduce करते हैं जो भी impairments हुए हैं. ठीक है, जो patient जो है already diseased हैं, जिनको already disease से जो affected हैं और वो बहुत ही ज़्यादा worst condition में हैं और जहाँ से वो cure नहीं हो सकते, उस condition में हम patient को जो है टर्जरी प्रिवेंशन जो है हम प्रोवाइड करते हैं. और इस टर्जरी प्रिवेंशन में हम वो सारे मेजर्स का यूज़ करते हैं जिससे कि पेशेंट्स में जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं, जो लिमिटेड जो डिसेबिलिटीज़ हैं, जो इम्पेयरमेंट्स हैं, उनको हम रिड्यूस करते हैं, उनको हम लिमिट करते हैं. और जो उन और वो जो भी डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम हेल्प करते हैं कि वो अपने इररेमेडियल कंडीशन में वो एडजस्ट हो सके. इररेमेडियल कंडीशन मीन्स impossible to cure. वो एक ऐसे condition में रहते हैं जहाँ पर वो ठीक नहीं हो सकते, ठीक है, पूरी तरीके से cure नहीं हो सकते, but हम उनको promote करते हैं कि वो उस condition में adjust हो जाए और अपनी एक healthy life है उनको वो जी सके, अपनी healthy life को enjoy कर सके, हम उसके लिए उनको promote करते हैं. ठीक है, so tertiary prevention is nothing but in this all measures we use, it helps to reduce, limit impairments and disabilities as well as it minimize sufferings and it helps to patient, okay, to promote the patient's adjustment to irremedial condition. Okay, so basically जो tertiary prevention है उसमें हम focus करते हैं ऐसे individuals को जो already affected हैं disease से. ठीक है, तो इसका जो मेन गोल होता है टर्जरी प्रिवेंशन का, मेन गोल यही रहता है कि हम जो भी पेशेंट हैं जो ऑलरेडी अफेक्टेड हो चुके हैं, उनके बॉडी में जो डिसीज़ की वजह से जो डैमेज होने का है वो हो चुका है, तो हम कोशिश करते हैं कि उन वो जो हैं अपना जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको वो इम्प्रूव करें. मेन एम यही रहता है कि हमको उनके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उनको इम्प्रूव करना है. तो वो इम्प्रूव कैसे होगा, वो इम्प्रूव हम कैसे करते हैं, उनमें जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं, जो भी इम्पेयरमेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम रिड्यूस करते हैं और उनके जो फंक्शंस है उसको दोबारा रीस्टोर करते हैं. ठीक है, उनके बॉडी के जो भी फंक्शन उसको हम दोबारा रीस्टोर करके हम उस पेशेंट के जो लिविंग स्टाइल है या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हम इम्प्रूव करते हैं. और ये सारी चीज़ें कैसे इम्प्रूव होगी, हम कैसे ये सारी चीज़ को अचीव कर पाएंगे, बाय द प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड द प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सर्विसेज. ठीक है, सो जो टर्जरी जो प्रिवेंशन है वो लास्ट प्रिवेंशन होता है जब पेशेंट बहुत ज़्यादा डिसीज से सफ़र कर चुका होता है, बहुत ज़्यादा उनमें डैमेज हो जाता है, उस कंडीशन में हम जो थर्ड लेवल का प्रिवेंशन है, ठीक है, जो टर्जरी प्रिवेंशन है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इसके द्वारा हम उनके जो लिविंग पैटर्न उसको हम जो स्टाइल है या फिर जो उनका क्वालिटी ऑफ लिविंग है उनको हम इम्प्रूव करते हैं. और वो इम्प्रूव तभी पॉसिबल है जब हम उनके इम्पेयरमेंट्स डिसेबिलिटीज़ को हम रिड्यूस करें और उनके जो नॉर्मल फंक्शन है उसको रीस्टोर करें. और ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू और प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सर्विसेज के थ्रू. ठीक है, सो इसमें जो गोल है टर्जरी प्रिवेंशन का उसमें हम क्या करते हैं, जो भी उनको पेन है उस पेन से हम उनको प्रिवेंट करते हैं, जो भी डैमेज हुआ है उनको हम प्रिवेंट करते हैं. ठीक है, उनमें जो डिसीज़ जो प्रोग्रेस कर रहे हैं उनको हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, इनहिबिट करने की कोशिश करते हैं, और जो कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं डिसीज़ से उनको हम रोकने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ उनके हेल्थ को हम क्या करते हैं, रीस्टोर करते हैं. ठीक है, उनका जो नॉर्मल हेल्थ के जो फंक्शंस हैं उनको हम रीस्टोर करते हैं. और ये जो है ये सारा जो है टर्जरी प्रिवेंशन के मेन गोल होते हैं. ठीक है, सो मोड ऑफ इंटरवेंशन हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, टर्जरी प्रिवेंशन में हम क्या इंटरवेंशन करते हैं, इसमें हम पहला जो है डिसेबिलिटी लिमिटेशन है, दूसरा है रिहैबिलिटेशन. ठीक है, सो डिसेबिलिटी लिमिटेशन के कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी डिसीज़ है अगर वो डिसीज़ को हम सही टाइम पे अगर नहीं रोकते हैं या फिर उसको क्योर नहीं करते तो वो क्या कॉज करता है, इम्पेयरमेंट कॉज करता है. इम्पेयरमेंट अगर इम्पेयरमेंट्स को भी अगर हम रिड्यूस नहीं करते हैं तो वो आगे जाके डिसेबिलिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है. और जब हम इम्पेयरमेंट्स और डिसेबिलिटीज़ दोनों जब ऑकर हो जाते हैं, दोनों जब प्रोड्यूस हो जाते हैं, देन वो क्या कॉज करता है, हैंडीकैप. ठीक है,
तो यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन है हर एक वर्ड्स का, जिससे आप समझ सकते हैं कि जो इम्पेयरमेंट क्या होते हैं, डिसेबिलिटी क्या होता है और हैंडीकैप क्या होता है। जो इम्पेयरमेंट्स क्या होता है, जब भी कोई एबनॉर्मलिटीज कॉज करते हैं, ठीक, जब कोई एबनॉर्मलिटी होती है फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली, जब भी कोई एबनॉर्मलिटीज फॉर्म होती है फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली, तो उस कंडीशन को हम इम्पेयरमेंट्स कहते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो पेशेंट का मेंटल स्टेटस एज वेल एज जो उनका फिजिकल स्टेटस है, जो उनका स्ट्रक्चर है, बॉडी का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, उसके फंक्शन में जब कोई भी अबनॉर्मलिटीज आ जाती है, उसको हम इम्पेयरमेंट्स कहते हैं। डिसेबिलिटीज़ क्या होती है, डिसेबिलिटीज़ एनी रेस्ट्रिक्शन और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी को ना कर पाना, ठीक है। अगर ऐसे कंडीशन जहाँ पर जो पेशेंट है वो अपने नॉर्मल एक्टिविटी को नहीं कर पाते हैं, या फिर उनमें वो एबिलिटी नहीं होती है जो नॉर्मल एक्टिविटी करने की, उस कंडीशन को हम डिसेबिलिटी कहते हैं। ओके, सो जब ये इम्पेयरमेंट्स और डिसेबिलिटी जब प्रोग्रेस कर जाती है, देन उस पेशेंट में क्या कॉज करता है, हैंडीकैप, ठीक है। सो ये हैंडीकैप क्या होता है, हैंडीकैप इट इज़ अ डिसवांटेज गिवन फॉर अ गिवन इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी। इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी का जो रिजल्ट है वो हैंडीकैप होता है। इसमें जो है, जो पर्सन है वो अपना कोई भी जो काम है, जो भी एक्टिविटी है, जो भी फंक्शन है उनके बॉडी का, वो दोनों ही वो नहीं कर पाते हैं। जो भी उनके जो नॉर्मल लाइफ के जो एक्टिविटीज़ हैं वो उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, और उनका जो फुलफिलमेंट है, नॉर्मल लाइफ के जो फुलफिलमेंट है, वो उस इंडिविजुअल से नहीं होता, ठीक है। तो वो हैंडीकैप होता है। तो ये सारा चीज़ जो हमने देखा कि मेन जो मोड ऑफ इंटरवेंशन है टर्जरी प्रिवेंशन में, हम उसमें या तो हम डिसेबिलिटी लिमिटेशन का उसको हम फोकस करते हैं, और साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन को फोकस करते हैं। सो डिसेबिलिटी जो लिमिटेशंस हैं, ठीक है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन में हम इम्पेयरमेंट्स हैं, डिसेबिलिटीज़ को हम रिड्यूस करते हैं। वो कैसे पॉसिबल है, उसको हम कैसे रिड्यूस करते हैं, थ्रू द रिड्यूसिंग ऑकरेंस ऑफ इम्पेयरमेंट। अगर इम्पेयरमेंट होने के जो कारण हैं या फिर जो रिस्क है, अगर हम उनको उसी वक्त अगर रोक दें, तो फिर इम्पेयरमेंट्स जो है वो कॉज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका, डिसेबिलिटी लिमिटेशन बाय ट्रीटमेंट। जो भी डिसेबिलिटी लिमिटेशंस होने के जो भी डिसेबिलिटी लिमिटेशंस हैं, अगर उसका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, प्रॉपर थेरेपीज देते हैं, तो भी क्या हो सकते हैं, हम जो डिसेबिलिटी लिमिटेशन है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तीसरा है प्रिवेंट ट्रांजिशन टू डिसेबिलिटी। तो जो भी ट्रांजिशन है, डिसेबिलिटी ट्रांजिशन के, अगर हम उसको प्रिवेंट कर देते हैं, ठीक है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को हम जो है वो ठीक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। डिसेबिलिटी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, ये सारा इसमें दिया गया है कि अगर हम प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं डिसेबिलिटीज़ का, प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू हम जो डिसेबिलिटी है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इम्पेयरमेंट्स के जो कॉजेज़ हैं, जो इम्पेयरमेंट्स कॉज करने वाले जो कारण हैं, उसको अगर हम पहले से ही रोक दें, उसको अगर हम पहले से ही इनहिबिट कर दें, तो इम्पेयरमेंट्स कॉज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं, हम पेशेंट को डिसेबिलिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा था रिहैबिलिटेशन, ठीक है। रिहैबिलिटेशन के ज़रिए भी हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट में जो डिसेबिलिटीज़ हैं, इम्पेयरमेंट्स हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो उसके नॉर्मल फंक्शंस हैं उसको हम रीस्टोर कर सकते हैं। सो रिहैबिलिटेशन क्या होता है, रिहैबिलिटेशन इज़ द कम्बाइंड एंड द कोऑर्डिनेटेड यूज़ ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल मेजर्स फॉर ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग द इंडिविजुअल टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल एबिलिटी। रिहैबिलिटेशन में हम जो है मेडिकल, सोशल, एजुकेशन, वोकेशनल मेजर्स को कंबाइन करके, ठीक है, वो मेडिकल जो मेजर्स है उसको भी हम कंबाइन करते हैं, सोशल मेजर्स जो हैं, एजुकेशनल मेजर्स हैं, इन सारे को हम कंबाइन करके, कोऑर्डिनेट करके हम पेशेंट को क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेन करते हैं, ठीक है, जिससे कि जो पेशेंट का जो फंक्शन है वो दोबारा क्या हो जाए, रीस्टोर हो जाए, ठीक है। जो भी उनका बॉडीली फंक्शंस हैं उनको हम दोबारा रीस्टोर करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिहैबिलिटेशन कहते हैं।
सो ये जो रिहैबिलिटेशंस है इसमें कुछ मेजर्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है, जिससे कि हम जो भी कंप्लीट डिसेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। रिहैबिलिटेशन जो है, रिहैबिलिटेशन के ज़रिए हम कंप्लीट जो डिसेबिलिटी है उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, सच एज इम्प्लीमेंटिंग वर्क प्लेस एडजस्टमेंट फॉर द ब्लाइंड एंड द पैरालाइज्ड, और द प्रोवाइडिंग काउंसलिंग टू रिस्टोर नॉर्मल डेली फंक्शन टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। तो हम जो ये डिसेबिलिटी है उसको हम प्रॉपर कंप्लीट प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम जो है वर्क प्लेस एडजस्टमेंट करें, ठीक है, जो भी ब्लाइंड पेशेंट हैं, ठीक है, मान के चलो कि किसी डिसीज़ के वजह से पेशेंट को ब्लाइंडनेस कॉज कर गया। अब हम ब्लाइंडनेस को प्रॉपर तरीके से क्योर नहीं कर सकते, बट हम पेशेंट में उससे होने वाली जो भी डिसेबिलिटीज़ है, ठीक है, जो इम्पेयरमेंट्स है, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और पेशेंट के जो लिविंग जो स्टाइल है, जो क्वालिटी ऑफ लिविंग को सुधार सकते हैं, उसके वर्क प्लेस को मॉडिफाई करके, ठीक है, उसके वर्क प्लेस में एडजस्टमेंट करवा के, ठीक है, जो भी ब्लाइंड या पैरालाइज पेशेंट हैं, ठीक है, और काउंसलिंग एजुकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो पेशेंट के डेली फंक्शन से, जो नॉर्मल डेली फंक्शन है, उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं, उनको मोटिवेट करके, एनकरेज करके, उनको गुड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके, है ना। तो ये सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को हम रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। सो ये रिहैबिलिटेशन के कुछ टाइप्स बताए गए हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो रिहैबिलिटेशन है वो सारे मेजर्स का कंबाइन होता है, ठीक है, सारे मेजर्स कोऑर्डिनेट होके जो पेशेंट में जो भी डिसेबिलिटीज़ है उसको पूरी तरीके से प्रिवेंट करती है और उनके जो नॉर्मल फंक्शंस को रिस्टोर करती है। सो जैसे कि मेडिकल रिहैबिलिटेशन, अगर आप पेशेंट को मेडिकल रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उससे जो पेशेंट का जो बॉडीली फंक्शन है वो क्या हो जाता है, रिस्टोर होते हैं, ठीक है। वोकेशनल रिहैबिलिटेशन में आप रिस्टोरेशन करते हो जो पेशेंट का जो कैपेसिटी है, जीने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, उसमें रिस्टोरेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप गुड वर्क एडजस्टमेंट, अगर उनका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो अगर आप अच्छा उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उनको जहाँ काम करते हैं वहाँ पे अगर आप उनको एडजस्टमेंट करना सिखा दिए, ठीक है, और उनको गुड एनवायरनमेंट, गुड वाइब्स अगर आप उनको प्रोवाइड करते हो, तो वो धीरे धीरे क्या है, वो रिकवर हो जाते हैं। देन सोशल रिहैबिलिटेशन में हम रिस्टोरेशन करते हैं जो फैमिली और सोशल रिलेशनशिप का, ठीक है। तो पेशेंट को आप जैसे कि काउंसलिंग, ठीक है, उनका सपोर्ट करते हैं, अगर आप उनको मोटिवेट करते हैं, तो इससे क्या है, जो पेशेंट दोबारा क्या होता है, जो भी अपनी डिसेबिलिटीज़ जो है, डिसेबिलिटीज़ की वजह से, ठीक है, जो पेशेंट जो लोगों से दूर हो जाते हैं, है ना, तो वो दोबारा क्या हो सकता है, रिस्टोर हो सकता है, उनकी रिलेशनशिप जो है दोबारा से अच्छी हो सकती है। देन उसी तरह साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन में हम रिस्टोरेशन करते हैं जो भी पर्सनल डिग्निटी है एंड कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन में हम काउंसलिंग देते हैं, एजुकेशन देते हैं, तो इन सारे मेथड के थ्रू जो पेशेंट है वो साइकोलॉजिकली क्या हो जाते हैं, रिहैबिलिटेट हो सकते हैं। सो एट लास्ट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देर इज़ अ चार्ट, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है जिसमें सारे प्रिवेंशंस एंड उसके इंटरवेंशंस दिए गए हैं। तो इस चार्ट के थ्रू भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है उसमें हम क्या क्या इंटरवेंशन करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या इंटरवेंशन करते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए हम कौन से इंटरवेंशंस करते हैं, एंड टर्जरी प्रिवेंशन के लिए हम क्या इंटरवेंशंस करते हैं। तो ये सारे जो इंटरवेंशंस है वो डिसीज़ के स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, जो इंटरवेंशंस करते हैं और जो लेवल ऑफ प्रिवेंशंस है उनको हम अप्लाई करते हैं या फिर उनको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। सो ये डिसीज़ के स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। इफ़ अगर कोई पर्सन है जो सिर्फ जो रिस्क फैक्टर्स के एक्सपोजर में नहीं आए हैं, ठीक है, बट चांसेस है कि वो रिस्क फैक्टर के एक्सपोजर में आ सकते हैं और उनको डिसीज़ से हमको प्रिवेंट करना है, तो उस वक्त हम प्रीमॉडल जो है प्रिवेंशन का हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, जिसके थ्रू वो जो अपना लाइफस्टाइल है, लिविंग पैटर्न है, उनको चेंज करके, मॉडिफाई करके उस रिस्क फैक्टर से बच सकते हैं और डिसीज़ से भी बच सकते हैं। अगर कोई पर्सन है जो
रिस्क फैक्टर के एक्सपोजर में आ गए हैं बट उनको भी कोई डिसीज़ नहीं हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं उस पेशेंट को, उस डिसीज़ होने से पहले ही हम उस पेशेंट को बचा सकते हैं, ठीक है, थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। उस वक्त हम सेकेंड जो प्राइमरी प्रिवेंशन है उसको हम अप्लाई करेंगे। अगर कोई पेशेंट है जो कि डिसीज़ के एक्सपोजर में आ चुके हैं, ठीक है, जिनको रिस्क फैक्टर की वजह से डिसीज़ कॉज कर गया है, जिनके हेल्थ में जो है डिसीज़ की वजह से अफेक्टेड हो चुके हैं जो लोग, उस टाइम हम सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन को हम फॉलो करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के थ्रू हम जो भी प्रोग्रेस है, डिसीज़ प्रोग्रेस, उसको हम इनहिबिट करते हैं, साथ ही साथ कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करके पेशेंट्स को वेल करते हैं, ठीक है। टर्जरी प्रिवेंशन, अगर कोई पेशेंट जो डिसीज़ कंडीशन की वजह से उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, वो उस कंडीशन से क्योर नहीं हो सकते हैं, उस कंडीशन में हम टर्जरी प्रिवेंशन जो है वो फॉलो करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को डिसेबिलिटी लिमिटेशन जो है वो इंटरवेंशन करते हैं एंड रिहैबिलिटेशन करते हैं, ठीक है। सो डिसेबिलिटी लिमिटेशंस में हम जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं, इम्पेयरमेंट्स हैं, ठीक है, उनके होने से या उनसे क्या करते हैं, हम उनको बचाते हैं, इम्पेयरमेंट्स एंड डिसेबिलिटीज़ को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो भी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनसे हम उनको बचाते हैं, ठीक है। रिहैबिलिटेशन के थ्रू हम उनके जो नॉर्मल बॉडीली फंक्शंस हैं उनको हम रिस्टोर करते हैं, ओके। सो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था पूरे लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। तो इसमें आपने देखा कि जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, एंड उसमें हम क्या क्या प्रिवेंशन करते हैं। सो आई होप दैट कि आपको जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो आपको समझ में आ गया होगा कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होते हैं, उनके स्टेजेस क्या होते हैं और हर एक स्टेज पे हम क्या क्या इंटरवेंशंस करते हैं। So through this video you can prepare your notes also. Until the next video, keep practicing, keep